अभी उठो। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम पहुँच गए किचन में और ये अभी उठ गई है। ये देखो ये तो क्या हो गया, काजल लगा रखा है। मैंने भी तो लगा रखा है। चलो अब दूध दे रही हूँ वैसे भी आपको। और आज ये की है वर्कशीट, तो ये को बहुत जल्दी से उठाया मैंने। 6:30 भी नहीं हुए अभी। और ये रखी हुई फली, इनको साफ करना है। चने काले वाले ये बनेंगे ईयावी के लिए और ये फली बनेगी हमारे लिए। तो ये इनका जो नंबर है साफ करने का आज मेरा है। नहीं तो वैसे तो सब्जी का काम ये करते हैं, साफ करने का, बनाने का, लेकिन आज बोला है कि तू ही साफ करेगी। और मैं पता है जल्दी की वजह से क्या करूँगी, मैं डायरेक्ट बॉइल कर दूंगी, फिर इनकी ये चीज़ बाद में निकालूंगी। अभी रखती हूँ मैं चने उबलने के लिए सबसे पहले, फिर ये फली रखूंगी, उसके बाद इन्हें दूध दूंगी। पहले दूध ही दूंगी फिर ये चीजें रखूंगी, क्योंकि ये दोनों नहाएंगे और ये लेटे हुए हैं दोनों। या कूलर बंद करो, चलो। हाँ नहीं कुछ नहीं करा, तुम जल्दी उठो। आज वर्कशीट है ना तुम्हारी शुरू, फर्स्ट पीरियड में ही होगी। बाबू जितने तो मैंने जल्दी उठाया, चलो जल्दी। या उठो, चलो आओ जल्दी आओ। और मैं दूध दूंगी पहले। समझ नहीं आया क्या कह रही है। सोता रहने दो, जब मेरी फेस पोटी आ जाएगी ना। अच्छा, इसे सोता रहने दो, जब मेरी फेस पोटी पेस्ट हो जाएगा नहा लूंगी, जब इसको उठाना नहीं। चलो अभी आओ, अब नहीं तो ये आएगी फिर। पहले ये आप लड्डू उठाओ जल्दी, लड्डू सो रहे हैं ना, जल्दी उठाओ, हैंड वॉश करके उठाओ। किसको? अभी को। कोई बात नहीं, वो तो एक एक उसमें जाएगा और एक नहाएगा, ऐसे करना ना। अभी 1 घंटा है। कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? तो हाथ वॉश मशीन में धो लो। चलो मैं पहले दूध बना दूँ तुम दोनों का। दूध लेने ही गए हैं पापा, ये वाला पी लो पहले। अभी उठ जाओ, बिल्कुल दूध रख दिया मैंने तुम दोनों के लिए है। और ये वाली मेरी पहले दिन की वीडियो है। और यहाँ पे मैं छील रही हूँ फली, जो गवार की फली काट के नहीं बनाई थी मैंने, सीधा बॉईल करने के लिए रख दी थी। और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, मुझे इसी तरीके से अच्छा लगता है बनाना, क्योंकि उसकी जो साइड के जो होते हैं ना छिलके, वो सारे निकल जाते हैं। अब बॉईल करके बिल्कुल लंबी लंबी सी काटती नहीं हूँ, सीधा उन्हें बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, फिर उनमें से साइड में से छिलके निकाल लेती हूँ। इस तरीके से ना सारी जो गंदगी है उनकी निकल जाती है छिलके, और मुंह में भी नहीं आते हैं। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ कोमल से बात, क्योंकि कोमल का आया हुआ था फ़ोन। और देखो इस तरीके की जो छिलके होती है साइड में, वो सारे निकल जाते हैं, और नहीं तो फिर बाद में ही मुँह में आते हैं, और इस तरीके से नहीं आते और अच्छे भी लगते हैं। और सारी जो इनकी इनके अंदर जो भी छिलके होते हैं वो बिल्कुल अलग करके जब साफ करके बनाती हूँ। काट के बनाओ कभी कभी, वैसे ये बना लेते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से अच्छी लगती है। और जल्दी भी बन जाती है कि साबुत को वॉश करके फटाफट बॉयल करने के लिए रख दो और इस तरीके से छील लो। तो बस मेरी फ़ोन पर बात करते करते ये भी छिल जाएंगी। और फिर उसके बाद देखो हमारे लड्डू ने आज येलो कलर की ड्रेस पहनी है। या सही से करो इनका ऊपर का वो। आज हम मम्मी के साथ खेलने वाले हैं लूडो चैलेंज। हरा दूंगी मैं लूडो में, नहीं हरा पाऊंगी, देख लेना। नहीं मैं जीतूंगा। ये पानी पानी डालो इनके आगे से। क्या खिलाया इन्हें? दही दही। चलो अब वहीं बैठा के आओ ना। बैड मैनर, ऐसे नहीं करते। लूडो खेलूंगा। चलो आम काटू? नहीं अभी खाना खाया, जस्ट अभी नहीं। खाना खाने के बाद एकदम फ्रूट नहीं खाने चाहिए। चलो लूडो लूडो लेके। पापा क्या कर रहे हैं? पापा जी कंप्यूटर। अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। आपका कौन सा है? मेरा खोलो इसको। मेरा येलो। मैं लूंगी ब्लू वाला। मैं येलो वाला। मैं रेड। तुम रेड लोगे? मैं येलो। येलो लोगी?
ग्रीन ही लोगे। चलो फिर आज देखते हैं कौन जीतता है लूडो में। ठीक है, आप भी खेलो। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। शाम के बजते हैं 5 और ये फ्रूट्स रखे हुए हैं, बहुत दोपहर से ही रख दिए थे धो के। और अभी के लिए वही बनाना शेक, मैंगो शेक बनाना जो कहेगा। आम हमने दोपहर भी काट के खाए थे तो बनाना शेक ही बनाऊंगी। ये थोड़े से यहाँ से ऐसे हो रहे, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल ठीक है। और ये हैं बेल पत्थर, आम, केले, खीरे। आजकल है ना धोने का काम बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बर्तन साफ करूँगी, बर्तन भी भरे हुए हैं दोपहर के खाने के, क्योंकि जब दोपहर को खाना खाते हैं तो ऐसे ही छोड़ देती हूँ, फिर शाम को ही करती हूँ। तो अभी सो के उठी हूँ तो अभी को लग रही है भूख। अब देखती हूँ क्या बनाना है। पहले मैंने फ्रिज में रखूँगी ये सारी चीज़ें, खीरे, बेलपत्थर, उसके बाद बनाऊँगी। अभी बताओ मैंगो शेक बनाना है या बनाना शेक बनाना? दोनों नहीं बनेंगी, एक चीज़ बनेगी। जल्दी बताओ मैंगो शेक बना दूँ दोनों के लिए? पापा तो अभी आए नहीं है ऑफिस से, पापा के लिए जब बनाऊंगी, जब जो कहेंगे। बनाना शेक बना दूं? हाँ वैसे भी कई दिन से बनाना शेक। चलो तो ठीक है मैंगो शेक बना देती हूँ। चलो भाई पहले अभी को बनाना शेक बना के देती हूँ, उसके बाद और काम करते हैं। और इनको रखती हूँ मैं फ्रिज में। और बेलपत्र का तो डर लगता है कि ऊपर से टूट गई तो, हाथ से छूट गई तो गिरी जाएगी। ये मैंने रख दिए फ्रिज में, क्योंकि बेलपत्र तो होगी नहीं ख़राब, कितने दिन चल जाती है। और बेलपत्र का जो बेलपत्र सिर्फ ये अपने लिए लाते हैं और यही खाते हैं, बेलपत्र हम नहीं खाते तीनों में से कोई सा भी। और ये बना रही हूँ वहाँ पे मैं अभी के लिए, दोनों के लिए बनाना शेक। मैंगो शेक बोल रहा था अभी, लेकिन मैंने मैंगो शेक नहीं बनाया क्योंकि बनाना जो है वो काफ़ी सारे थे और आम कम थे। आम इन्होंने तो ऐसे भी खा लिए थे काट के, तो आम केले के मतलब बनाना शेक बनाया तो वही बना रही हूँ। और आज अपने लिए भी बनाया है, तो तीनों के लिए बनाया है। और ये गए हैं ऑफिस, दोपहर तक ये यहीं थे लेकिन दोपहर के बाद चले गए। जाना था आज, कल ही फ़ोन आ गया था कि कल से आना है, लेकिन ये गए हैं 2 बजे के बाद। अपना सब सामान ले गए हैं, सिस्टम वगैरह जो भी था, जो ऑफिस का सामान था सब कुछ ले गए हैं। और अब ये कंटिन्यू जाएंगे क्योंकि जाना तो पड़ेगा। कब तक घर में रहेंगे, क्योंकि घर से काम हो रहा था लेकिन बीच में फिर भी एक दिन छोड़ के एक दिन ऑफिस जाना पड़ रहा था 2-2 घंटे के लिए, तो उससे ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे कि घर मतलब घर पे हैं तो तब भी करना है, ऑफिस में है तब भी करना है, तो इसीलिए आज ही ऑफिस भी चले गए हैं। और अब कंटिन्यू ऑफिस जाएंगे। और बनाना शेक बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ शाम की झाड़ू। बर्तन मैंने कर दिए थे सब, पहले बनाना शेक बनाया, फिर उसके बाद बर्तन, किचन के जो बर्तन थे वो सारे क्लीन कर दिए हैं। और इसके बाद अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। वैसे शाम के टाइम गंदा नहीं होता ज़्यादा, सुबह के टाइम डीपली करनी पड़ती है क्लीनिंग। शाम को तो सिर्फ हल्की सी झाड़ू लगा दो या पोछा लगा दो, कुछ भी लगा दो। तो यहाँ पर जो है अभी भी खड़े हुए हैं, और अभी को अच्छा लगता है डांस करना। जब वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ, तो जब उस टाइम पे ज़रूर सामने आता है, तो बस यही मेरे आगे पीछे घूम रहा है। और यहाँ पर मेरी झाड़ू भी लग गई और बाहर की साइड भी गंदा हो रहा था, तो मैंने वहाँ वहाँ। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सभी? और आज जो है, आज गए हैं ये ऑफिस, और आज खाली खाली सा लग रहा है घर, क्योंकि बहुत दिनों से घर में थे, 20-25 दिन से थे। तो अब ऑफिस जाना पड़ेगा क्योंकि घर से काम नहीं हो रहा था सही तरीके से, बीच बीच में जाना पड़ रहा था, तो इसी वजह से आज चले गए हैं। और अब आने वाले हैं शाम के, अभी 6 बजे हैं, 6:30-7 तक आएंगे। और यहाँ पर ईया भी खेल रहे हैं लूडो, ये देखो इनका पेट नहीं भरता दोनों का, और बेचारे खाली हैं तो क्या करें, क्योंकि दोपहर क्लास भी पूरी करते हैं, होमवर्क भी अपना कंप्लीट है, लर्न भी कर लिया है, और अब क्या करें। जब पापा थे तो पापा के साथ लगे रहते थे थोड़ा बहुत, और मेरे साथ कम लगते हैं क्योंकि मैं डांट देती हूँ इन्हें दोनों को। टीवी भी नहीं देखते हैं ज़्यादा अब, ये तो थोड़ा बहुत फ़ोन देख लिया या फिर लूडो खेल लिया। लूडो आया है ना कल टीवी। अच्छा बोलो,
जब से लूडो आया है कम टीवी। अच्छा लूडो ज्यादा, लूडो ज्यादा। और अभी लूडो खेलने में ना एक्सपर्ट हो गया है, सबको हरा देता है, है ना अभी? हाँ जी, आपको भी हरा दिया। और बस लॉकडाउन है या कुछ भी हो, जाना तो पड़ेगा ऑफिस, क्योंकि इनकी तो वैसे भी मेडिसिन कंपनी है, तो जाना था ही था। पिछली बार लॉकडाउन हुआ था तो तब भी नहीं गए, तब भी नहीं छुट्टी हुई थी, रोज कंटिन्यू जा रहे थे। और अब की बार जाता था तो आ गया था काम घर के लिए, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बीच बीच में जाना पड़ रहा था, तो फिर अब सबको बुला लिया और आज ये गए हैं दोपहर के बाद, 2 बजे के करीब गए हैं ये, 2 बजे तक थे, 2 बजे के बाद फिर अपना सारा सामान लेके कंप्यूटर वगैरह लेके गए, तब गए हैं। और जो ऑफिस है वो घर के बिल्कुल पास में है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, गाजियाबाद में ही है, थोड़ी सी दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो 10-15 मिनट लगते हैं बस ऑफिस से जाने में और 15 मिनट आने के, तो आने का टाइम हो रहा है। देखती हूँ क्या बनाना है, ये अभी के लिए बना दिया था बनाना शेक, और खाने की भी तैयारी कर दी है क्योंकि उन्हें आने के बाद एकदम से भूख लगती है। वो यही बोलते हैं कि मुझे आने के बाद कुछ ना हो, चाय वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि चाय तो वो ऑफिस पर पी लेते हैं 4 बजे। अभी नहीं, गंदी बात, ऐसे कैसे कर रहे हो। तो खाना बना के मैंने रख दिया, मतलब सब्जी वगैरह बना दी है, लौकी की सब्जी बनाई है और आटा लगा के रख दिया है, जब आएंगे तब फटाफट से फुल्की बना दूंगी। और लॉकडाउन का तो पता ही नहीं, और मन घर में मन भी नहीं लग रहा, क्योंकि जो इंसान काम करने वाला होता है उसका मन नहीं लगता बिल्कुल भी। और ये अब कह रहे हैं कि ऑफिस में जाके मैं वहाँ ज़्यादा ठीक हूँ, क्योंकि घर पे और ज़्यादा काम करना पड़ता है अगर ऑफिस का जो भी काम होता है। और ज़्यादा टेंशन थी कि बार बार कभी उसका फ़ोन आ रहा है, कभी उस बॉस का, कभी उस बॉस का, तो और ऑफिस वालों को लगता है कि घर में मतलब बंदा काम ही नहीं कर रहा है, तो इस वजह से खुद ही इन्होंने भी खुद बोला कि ठीक है मैं ऑफिस जाके जाके काम कर लूँगा, क्योंकि करना तो है ही हर हाल में, कुछ भी हो अगर करनी है जॉब तो काम भी करना पड़ेगा, चाहे वो घर से हो चाहे वो ऑफिस में जाके करना हो। और ऑफिस में जाके ज़्यादा बेटर है घर के अकॉर्डिंग, घर में तो ज़्यादा काम लेते हैं वो ऑफिस वाले की, अब ये करो, अब बैंक जाओ, अब ऑफिस जाओ, अब चेक लगाओ, अब ये करो वो करो, बहुत ज़्यादा काम था तो सारे दिन फिर भी बाहर ही थे, कभी बैंक में जा रहे हैं, कभी ऑफिस में जा रहे हैं, किसी की पार्टी का चेक लेने जा रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने खुद बोला कि मैं ऑफिस में रहूँगा, तो वहाँ पे और लोग भी हैं ऑफिस का काम करने वाले जो बैंक वगैरह जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो बस आज चले गए हैं, अब आने वाले हैं, और हम भी घर पे कुछ नहीं, खाली बस टीवी देख लिया, या अभी के साथ लूडो खेल लिया, ऐसे हो रहा है, बस जल्दी से दुकान खुल जाए, क्योंकि घर में भी कब तक खाली रहें, और जब काम करना ही है तो खुले बहुत दिन हो गए। वैसे तो मैं बीच बीच में जाके कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत दे देती हूँ, लेकिन अब ये कि कंटिन्यू खुले, कुछ रूटीन में आए चीज़ें, एक महीने से ज़्यादा हो, एक महीना हो गया यूपी में, एक महीना अब भी नहीं हुआ, दिल्ली में हो गया है, 19 को हो जाएगा कल। तो चलो भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।